हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूस किचन। आज का रेसिपी कोकोनट का खीर, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया, कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया। जो खीर लिया मेल्ट होने के लिए रख दिया। घी मेल्ट हो गया, जो राइस वॉश करके रखा था वो ऐड कर दिया। हल्का सा फ्राई कर लूंगी, चावल हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी जो मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया था अच्छी तरह से मिक्स किया और गाढ़ा होने तक और राइस भी ठीक से कुक होने तक बॉइल कर लूंगी। लो फ्लेम में 5 मिनट्स ऐसे कुक कर लेने का। मिल्क गाढ़ा हो गया, मिल्क का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया और राइस भी पक गया। जो कोकोनट, फ्रेश कोकोनट इसके रखा था वो ऐड कर दिया। कोकोनट फ्लेवर का खीर बहुत ही अच्छा लगता है और 5 मिनट्स कुक कर लूंगी। कोकोनट का खीर ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अभी जो शुगर लिया वो ऐड कर देती हूँ, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ, काजू, बादाम और आलमंड ऊपर से गार्निशिंग करूंगी। इलायची पाउडर बना के रखा फ्लेवर के लिए, ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स करके शुगर मेल्ट होने तक बॉइल कर लूंगी। टेस्टी कोकोनट खीर बन के रेडी हो गया। अभी गैस बंद कर देती हूँ, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। कोकोनट खीर ठंडा हो गया और बाउल में सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी कोकोनट खीर बन के रेडी हो गया। ऊपर से बादाम और पिस्ता से गार्निशिंग किया, केसर भी थोड़ा ऐड कर दिया था, इसके लिए कलर ऐसे आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्टी तो है ही। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।